हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए टिंडे की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और जिसे टिंडे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इस तरीके से टिंडे की सब्जी बनाऊंगी कि वो हर दूसरे दिन बनाकर खाना पसंद करेंगे टिंडे की सब्जी। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सब्जी देखने में लग रही है, उतनी ही खाने में भी बहुत ही ज़्यादा चटपटी टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से टिंडे की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। टिंडे की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली टिंडे लिए हैं। टिंडे को बहुत ही ज़्यादा छीलना नहीं होता है, बस आप देख सकते हैं इस तरीके से हल्के से खुरच खुरच के मैंने इसे अच्छे से छील लिया है और इसे धोकर चार टुकड़ों में कट कर लेना है। साथ ही मैंने यहाँ पे आलू को भी चार टुकड़े में कट कर लिया है। तो आपको जिस तरीके से टिंडे और आलू पसंद है वैसे आप कट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने पीसने के लिए कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सूखे मसाले में मैंने लिया है धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। कश्मीरी लाल मिर्च तीखा नहीं होता, बस कलर के लिए हम यूज़ करेंगे। तड़के में मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, जैसे कि जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, सूखी लाल मिर्च, हींग, हरी इलायची, लौंग। तो ये सारे मसाले जाएंगे तड़के के लिए। इसके साथ ही मैं यहाँ पे सरसों के तेल में इस सब्जी को बनाऊंगी। आप अपनी पसंद के कोई से भी कुकिंग ऑयल में इसे बना सकते हैं। तो सारे प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह को हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल के इसका पतला पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ टिंडे की सब्जी बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल डाला है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे रखना है। तेल अच्छे से गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे टिंडे। टिंडे को अच्छे से सुनहरा होने तक हमें फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टिंडे अच्छे से हमारे फ्राई हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। टिंडे फ्राई करने के बाद इसी गरम तेल में हम डालेंगे आलू। आलू को भी सुनहरा होने तक हमें फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं आलू भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस का फ्लेम हम लो पे कर देंगे ताकि तेल हमारा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब इसी तेल में हम डालेंगे ये खड़े मसाले। जैसे ही जीरा का कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें डालेंगे ये करी पत्ता। जैसे ही तड़का हमारा थोड़ा सा भुन जाए, कलर चेंज हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे ये सारे सूखे मसाले। गैस का फ्लेम लो पे ही रखना है फ्रेंड्स। सारे सूखे मसाले को साथ में ही हम मिक्स कर लेते हैं। सारे सूखे मसाले अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन, अदरक वाला पेस्ट जो हमने पहले से तैयार करके रखा था। इसे डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और इसे लगातार चलाते हुए हमें बहुत ही बढ़िया से भुनना है ताकि मसाले से हमारा तेल अलग हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसे ढक के भी भून सकते हैं ताकि छींटे वगैरह ना पड़े। तो आप देख सकते हैं मसाले से तेल अलग होने लगा है, यानी कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भूनकर तैयार है। तब हम इसमें डालेंगे ये भुने हुए आलू और टिंडे। इसे डालने के बाद सबसे पहले हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे बहुत ही बढ़िया से भूनना है। आप इसे ढक के भी भून सकते हैं और इसे बीच बीच में चलाते रहना है, चेक करते रहना है। तो आप देख सकते हैं सब्जी जो हमारी है अच्छे से भून गई है। तब हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो पानी मैंने 1 बाउल के करीब डाला है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे और बीच बीच में चेक करते रहना है। तो आप देख सकते हैं इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगा है, यानी कि हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है। तब हम गैस को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे मैंने लिया है ये कसूरी मेथी। 1 छोटे चम्मच के करीब कसूरी मेथी को हाथ पे ऐसे रब करके सब्जी के ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चेक कर लेते हैं आलू और टिंडे अच्छे से, ये देखिए पक गए हैं, बहुत ही आसानी से कट रहा है। तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि जो कसूरी मेथी का फ्लेवर है सब्जी में बहुत बढ़िया से आ जाए। 1 से 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है हमारे टिंडे की सब्जी में। ये देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलिए फटाफट से हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सब्जी हमारी अभी बहुत गर्म है
और ये बहुत ही ज़्यादा देखने में टेस्टी और चटपटी लग रही है। आप इसे रोटी, पूरी, पराठे, चावल किसी के साथ भी खाइए, ये सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जिसे टिंडे खाना नहीं पसंद है, वो भी इस सब्ज़ी की रेसिपी देखने के बाद टिंडे खाना शुरू कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसे मैंने डेकोरेट कर लिया है करी पत्ते से, ताकि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगे। और हाँ फ्रेंड्स, आपको ये टिंडे की सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं कोशिश करूँ ऐसी यूनिक, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आऊँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।